Hello dear students, how are you? I hope you are all fine. I am Sudarshan Kumar, teacher of physics. So let us start unit 7. और हमारे पास जो चैप्टर हमारा फर्स्ट रहेगा यूनिफॉर्म मोशन, आगे हमारा लेक्चर नंबर 5 है, इसके अंदर जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास स्पीड रहेगा और वेलोसिटी रिलेटेड टर्म्स रहेंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्पीड के बारे में, व्हाट इज अ स्पीड, स्पीड क्या होती है। तो देखिए यहाँ पे इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल पाथ लेंथ एंड कॉरस्पॉन्डिंग टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। हमारे पास टोटल पाथ लेंथ कितनी है, कितना कॉरस्पॉन्डिंग टाइम कितना लगा है उस पाथ लेंथ को कवर करने में, तो हमारी स्पीड होगी। ठीक है, टोटल पाथ लेंथ लिया है, यहाँ पे ध्यान दीजिए टोटल पाथ लेंथ, स्पीड को हमने रिप्रेजेंट किया टोटल पाथ लेंथ डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसको हम कह देंगे स्पीड। ठीक, अगर सेम हम यहाँ पे अगर वेलोसिटी की बात करते हैं तो यहाँ पाथ लेंथ की जगह हम डिस्प्लेसमेंट लेंगे, आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि पाथ लेंथ हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हमारे पास जो स्पीड है वो भी क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी। तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी और इसकी यूनिट होती है वो मीटर पर सेकंड होती है। हम डायमेंशन फॉर्मूले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, कैसे जैसे पाथ लेंथ है, पाथ लेंथ को रिप्रेजेंट करेंगे मीटर से, टाइम है उसको रिप्रेजेंट करेंगे सेकंड से, तो हमारी जो यूनिट आएगी ऐसा यूनिट वो मीटर पर सेकंड हो जाएगी यहाँ पे। और जो सीजीएस यूनिट होगी वो सेंटीमीटर पर सेकंड होगी, सीजीएस की अगर मैं बात करूंगा तो वो भी सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं डायमेंशन फॉर्मूला। डायमेंशन फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था, जो डायमेंशन फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, तो डायमेंशन फॉर्मूला भाई टोटल लेंथ, टोटल पाथ लेंथ होगी, तो लेंथ को हम रिप्रेजेंट करेंगे एल से और टाइम को हम रिप्रेजेंट करेंगे टी से। तो इसके अंदर मास जो है वो क्वांटिटी हमारे पास नहीं है, जो बेसिक क्वांटिटी। ठीक है, तो मास नहीं है तो एम जीरो एल की पावर वन और टी जो हमारे पास ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ पे हम ले लेंगे टी की पावर माइनस का वन। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, मैंने प्रीवियस वीडियो बना रखी है डायमेंशनल फॉर्मूले के ऊपर, अच्छे से वीडियो बना रखी है, वहां पे आप जाके आप उसको उनको अच्छे से देख पाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये आ गया स्पीड, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीड्स होती हैं यहाँ पे, तो स्पीड के हम बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड। ठीक है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले नंबर एक हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या रहेगी हमारे पास, यूनिफॉर्म स्पीड होगी व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस या इक्वल पाथ लेंथ। ठीक है, इक्वल डिस्टेंस या पाथ लेंथ इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हाउ सो एवर डिस्टेंसेस मे बी स्मॉल। हाउ एवर जो हमारे पास टाइम इंटरवल रहेगा वो भी क्या होता है, स्मॉल होता है, हाउ सो एवर स्मॉल दिस इंटरवल में भी। ठीक है, तो उसे हम क्या कह देंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। फॉर एग्जाम्पल कोई कार है, मेरे पास कोई कार है, ठीक है, वो क्या करेगी हर 1 सेकंड इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर वो क्या कर रही है, 5 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 1 सेकंड में 5 मीटर, अनदर 1 सेकंड में 5 मीटर, अनदर 1 सेकंड में 5 मीटर। तो इस प्रकार से हमें ग्राफ के द्वारा इसको समझ पाएंगे। देखिए ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, इसको इसके ऊपर हम लेते हैं यहाँ पे इस टाइम इंटरवल, यहाँ पे मैं टाइम इंटरवल ले लेता हूँ टाइम। ठीक है, ये मैंने टाइम इंटरवल ले लिया और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ डिस्टेंस, वाई एक्सिस के ले रहा हूँ मैं डिस्टेंस, डिस्टेंस मीटर के अंदर। ठीक है, और टाइम इंटरवल हमने किस में ली, सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे देखिए ओरिजिन था, मैंने क्या 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, इसी प्रकार से देखो 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर एंड सो ऑन, हम इस प्रकार से प्रेजेंट करके दिखा सकते हैं। मान लो मेरे पास पहले ऑब्जेक्ट था वो रेस्ट पे था, फिर वो क्या कर रहा है 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 5 मीटर। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया ग्राफ पेपर के द्वारा, हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, अनदर 1 सेकंड, 1 सेकंड गया तो अनदर 1 सेकंड में, फिर वापस 5 से 10, तो 5 से 10 गया तो ये यहाँ पे इस प्रकार से हम देखेंगे, इस प्रकार से हम इसको देखेंगे कि ये हमारे पास डिस्टेंस आ गया। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास 10 मीटर, तो 2 सेकंड आ गया। देखिए कार 1 और 2 के बीच में 1 सेकंड और 5 और 10 के बीच में 5 सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से 3 सेकंड में हमारे पास ऑब्जेक्ट जा रहा है, मूव कर रहा है वो 15 मीटर। ठीक है, और भाई हमारे पास अगर हम देखें 4 सेकंड के अंदर वो जा रहा है 20 मीटर। इस प्रकार से इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। हम इसको अगर देखें यहाँ पे ग्राफ लाइन ड्रा करें तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी हमारे पास, लीनियर ग्राफ आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल रहेगा इसका यूनिफॉर्म स्पीड का, यूनिफॉर्म स्पीड। आई होप यहाँ तक आप लोग क्लियर हुआ होगा। अब हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल स्पीड। अब वेरिएबल स्पीड क्या रहेगी यहाँ पे, कुछ नहीं करना, वेरिएबल स्पीड क्या है, अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, इस प्रकार से हम डिस्कस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी,
वेरिएबल स्पीड। ठीक है, तो आप इसको देखिए। सो डियर स्टूडेंट्स, अब जब हम डिस्कस करेंगे वेरिएबल स्पीड, सेकंड नंबर हमारे पास वेरिएबल स्पीड आती है। तो वेरिएबल स्पीड में हम क्या देखेंगे कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंसेस, या तो डिस्टेंसेस हमारे पास इक्वल होगा, इक्वल डिस्टेंसेस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, या हमारे पास क्या होगा भाई अनइक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम हो जाएगा। ठीक है, और हाउएवर स्मॉल स्मॉल दिस इंटरवल में भी इंटरवल हो सकता है, वो स्मॉल हो सकता है, जो हमारा टाइम इंटरवल है वो स्मॉल हो सकता है, डिस्टेंस स्मॉल ले सकते हैं हम। ठीक है, तो ये देखेंगे, यानी कि इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देख पाएंगे ये हमारे पास वेरिएबल स्पीड होगी। इसमें आप एग्जांपल देखते हैं, मान लो हमारे पास कोई कार है या कोई ऑब्जेक्ट है, वो मूव कर रहा है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे टाइम एक्सिस लिया, टाइम एक्सिस इसको हम सेकंड में लेंगे टाइम को। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ ये हम डिस्टेंस लेंगे यहाँ पे डिस्टेंस, और डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मीटर के अंदर। ठीक है, तो यही 1 2 3 4 यहाँ पे क्या रहेगा, 5 10 और यहाँ पे 15। मान लो सपोज करो मेरे पास जो मैं 1 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे 4 थी। ठीक है, 4 1 सेकंड में 4 मीटर डिस्टेंस। फिर अगले जो हमारे पास 2 सेकंड है, 2 सेकंड में हमारे पास डिस्टेंस कुछ और हो सकती है, यहाँ पे 10 हो सकती है, 20 हो सकती है। तो 2 पे मैं क्या ले रहा हूँ, यहाँ पे 2 पे 10 ले रहा हूँ। ठीक है, फिर हम क्या ले रहे हैं 3 के ऊपर 20 मीटर डिस्टेंस है, 3 सेकंड में 20 मीटर डिस्टेंस, और 20 हमारे पास कहाँ है, 20 हमारे पास यहाँ पे है 20। ठीक है, तो 20 यहाँ पे इस प्रकार से 4 पे 30 हो सकती है, या 4 पे 40 हो सकती है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास एक इस प्रकार से ग्राफ है, देखिए आप लोग खुद देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये आपका नॉन लीनियर ग्राफ आ रहा है, कैसे ग्राफ आ रहा है, नॉन लीनियर ग्राफ आ रहा है। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ नहीं आ रहा, या एक लीनियर ग्राफ नहीं आ रहा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, टाइम तो हमारे पास इक्वल है, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड। ठीक है, पर यहाँ पे डिस्टेंस अनइक्वल है। ठीक है, और यही हमारी डेफिनेशन कह रहे हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, आगे हम डिस्कस करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एवरेज स्पीड क्या होती है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट और टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के द्वारा कितनी ट्रैवल की गई है और उसने टोटल टाइम कितना लिया, एक वेरिएबल स्पीड होती है। क्योंकि हमें पता है यूनिफॉर्म स्पीड से तो ऑब्जेक्ट है वो मूव नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्या करता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना होता है तो कभी वो स्पीड को धीरे कर रहा है, कभी स्पीड फास्ट कर रहा है। तो हमें उसकी क्या करनी है, एवरेज स्पीड निकालनी हो तो क्या करें, हम देखते हैं कि उसने टोटल टाइम कितना लिया टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने की। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल उसने कितनी की और टोटल टाइम कितना लिया, तो हम उससे एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नोट देखिए आप लोग, कि हम मानते हैं कि इफ ए पार्टिकल ट्रेवल डिस्टेंस S1, S2, S3 एंड सो ऑन, कोई पार्टिकल है वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है S1, S2, S3, इस प्रकार से डिस्टेंस ट्रेवल करता जा रहा है विद स्पीड, उसकी स्पीड क्या है, जब S1 डिस्टेंस ट्रेवल की तो स्पीड V1 थी, S2 डिस्टेंस ट्रेवल की तो स्पीड V2 थी, और S3 डिस्टेंस ट्रेवल की तो स्पीड V3 थी, एटसेट्रा रेस्पेक्टिवली, इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, तो टोटल डिस्टेंस मेरे पास क्या रहेगी, S1 plus S2 plus S3, जो स्मॉल स्मॉल इंटरवल में ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है डिस्टेंस, उसको हमने क्या करके ऐड कर दिया। फिर हम क्या निकाल सकते हैं, यहाँ पे टोटल टाइम उसने कितना लिया, तो टोटल टाइम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है हमें पता है, ये होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टोटल टाइम हमारे पास देखो, इसमें देखेंगे टोटल टाइम यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे टोटल टाइम टेकन तो कितना लिया, S1 V1 S2 V2 S3 V3 and so on। ठीक है, तो टोटल टाइम टेकन ये आ गया। टाइम हमारे पास होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड फर्स्ट केस में, सेकंड केस में टाइम कितना लिया उसने, सेकंड S2 upon V2 S3 upon V3, इस प्रकार से हम ये देख लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हमें तो निकालना क्या है, हमें निकालना एवरेज स्पीड। इस केस के अंदर एवरेज स्पीड कैसे निकालते, देखिए आप लोग एवरेज स्पीड कैसे हम निकालेंगे। तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस कितनी है, हमें फॉर्मूला पड़ा है, एवरेज स्पीड यानी कि हम लिखते हैं V एवरेज स्पीड हम लिख सकते हैं V एवरेज। तो टोटल हमारे पास डिस्टेंस कितनी है, ये थी अभी S1 plus S2 plus एंड सो ऑन, और टोटल टाइम क्या लिया था फर्स्ट केस के लिए, S1 V1 plus S2 V2 plus एंड सो ऑन S3 V3, इस प्रकार से हम ले सकते हैं। तो ये हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है,
अलग अलग केस के अंदर स्मॉल स्मॉल टाइम इंटरवल के अंदर अगर हम ले रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, फर्स्ट केस में फर्स्ट टाइम के अंदर S1, सेकंड टाइम T2 के लिए S2, इस प्रकार से हम इसको निकाल सकते हैं। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि अगर मेरे पास कोई बॉडी है वो डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करी, मतलब S1 और S2 का हम S मान लें, S1 और S2 का हमने क्या मान लिया, ऑब्जेक्ट है वो S1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस, फिर सेकंड डिस्टेंस भी इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। सो इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हो तो उस कंडीशन में हमारे पास इधर इसकी स्पीड डिफरेंस हो सकती है। डिस्टेंस इक्वल ट्रेवल कर रहा है, मान लो पहले 10 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, वो 30 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, दूसरा अगर 10 किलोमीटर जा रहा है तो वो 40 किलोमीटर पर आवर जा रहा हो, तो स्पीड उसकी डिफरेंट हो सकती है। बट डिस्टेंस इक्वल अगर हम माने तो उस कंडीशन के अंदर हम एक एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता था अभी फॉर्मूला निकाला था हमने, भाई 2S1S2 निकाला था, तो हम क्या करेंगे S1+S2 मान दो के लिए कर रहा हूँ S1S2, यहाँ पर S1 ले लिया S, तो ये S1S कितना हो जाएगा 2S, ठीक है। इसी प्रकार से हमने यहाँ पे देखा था S/V1 + S/V2, तो यहाँ पे S कॉमन ले लेंगे, S कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, S कॉमन लेने के बाद S हमने कॉमन ले लिया तो 1/V1 और 1/V2, इस प्रकार से हमारे पास ये टर्म्स हमने यहाँ सॉल्व कर लिए, ठीक है, ये टर्म सॉल्व कर लिए। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे S से S कैंसिल आउट हो गया। अब देखते हैं, देखो 2, अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे V1 और V2 एलसीएम ले लिया, तो V1 से कट गया या भाई V2 प्लस का, भाई V2 से कट गया, V2 से V2 कट गया तो V1, तो ये क्या लगेंगे टर्म से, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगी इसके, तो आएगा 2V1V2 और V1 प्लस का V2। तो हमने इसको इस प्रकार से सोल्व कर लिया है, इस प्रकार से न्यूमेरिकल हम सोल्व कर सकते हैं इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, अगर डिस्टेंस क्या हो इक्वल हो और डिफरेंट स्पीड हो, ठीक है। क्या आ जाएगा, सुनिए आ जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है वो पहले 10 किलोमीटर 40 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा है, ठीक है, पहले 10 किलोमीटर, और अगले 10 किलोमीटर जो बचे हुए अगले 10 किलोमीटर वो कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड से मूव कर रहा है। तो हमारे पास एवरेज अगर स्पीड निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, तो वी एवरेज निकालने का फॉर्मूला सीधा हो जाएगा, यहाँ पे इसका कोई रोल ही नहीं है, तो 2 × 40 × 60 / 40+60, तो हम सोल्व कर लेंगे इसको, या देखिए 2 × 40 × 60 / 100, तो 100 ये कट जाएगा, ये आ जाएगा आप लोग के पास 24 और 48 किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड क्या आ जाएगी यहाँ पे 48 किलोमीटर पर आवर। तो हम इस प्रकार से और न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हैं, मोर एंड मोर न्यूमेरिकल हम देख सकते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। ये स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे एक नोट और देखेंगे, इफ ए पार्टिकल ट्रेवल्स विद स्पीड, कोई पार्टिकल है वो स्पीड v1 v2 v3 एंड सो ऑन यहाँ तक एंड टर्म्स तक मूव कर रहा है ड्यूरिंग टाइम इंटरवल, जो टाइम मूव कर रहा है v1 स्पीड से जा रहा है t1 टाइम ले रहा है, v2 स्पीड से जा रहा है t2 टाइम ले रहा है, और इस प्रकार से t3 रेस्पेक्टिवली, देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना, क्या डिस्टेंस का फॉर्मूला, तो यू नो स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम फर्स्ट केस के लिए कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल की v1 t1, सेकंड केस के लिए v2 t2, थर्ड केस के लिए v3 और t3 एंड सो ऑन, हम इस प्रकार से चलते जाएंगे यहाँ तक n के लिए हम देखेंगे vn और tn, इसी प्रकार से टोटल टाइम टेकन कितना लिया उसने t1 t2 t3 और लास्ट में हम देखेंगे tn तक, ठीक है। तो एवरेज स्पीड निकालेंगे, एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस v1 t1 + v2 t2 + v3 एंड सो ऑन t1 + t2 + t3 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड टर्म्स तक। अब यहां पे देखेंगे, मान लो सपोज टोटल टाइम इक्वल हो t1 = t2 = t3, पार्टिकल है वो v1 वेलोसिटी जा रहा है सेम टाइम के लिए, v2 वेलोसिटी जा रहा है सेम टाइम में, v3 वेलोसिटी जा रहा है सेम टाइम में, ठीक है। तो सेम टाइम में अगर वो जा रहा है तो हमने t मान लिया, यहां पे टाइम क्या मान लिया t से, ये मान लिया हमने t, तो हम देखेंगे v एवरेज, तो यहां क्या करेंगे t हमारे पास क्या रहेगा यहां पे t, तो यहां t कॉमन आ जाएगा, t को हमने कॉमन ले लिया, यहां v1 + v2 + vn तक ले लेंगे और डिवाइड बाय n टर्म्स है t1 t2 t3, यहां कितनी जा रही है n टर्म्स तक जा रही है n t, ठीक है, n की जा रही है, तो यहां पे क्या करते हैं n × t से t कैंसिल आउट हो गया, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी, जब हमारे पास टाइम इंटरवल इक्वल हो तो हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं v1 + v2 + v3 एंड vn डिवाइड बाय n, ठीक है, यानी कि एल्जेब्रिक सम हो जाएगा सभी इसमें स्पीड का, और हम जितनी टर्म्स है उससे एल्जेब्रिक सम का मींस हमें जितने टर्म्स है उतने से जितनी वेलोसिटी है उतने से डिवाइड कर देंगे। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। अब हम डिस्कस करते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। सो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट हमारा जो टॉपिक है इसका इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस मींस अचानक से वेरी स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए जो स्पीड है, इट इज डिफाइंड एज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज स्पीड इन द स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी टेकन अराउंड दैट इंस्टेंट प्रोवाइडेड द टाइम इंटरवल डेल्टा टी अप्रोचिंग टू जीरो है। डेल्टा टी है वो वेरी स्मॉल टाइम के लिए, हमारे जो स्पीडोमीटर होता है वो इंस्टेंटेनियस
स्पीड को मेजरमेंट करता है, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल के लिए वो स्पीड आपकी चेंज होती है, वहाँ पे हम टाइम इंटरवल को मिनिमाइज करते हैं, अप्रोच को जीरो ले लेंगे। इस टाइम स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास रहेगा लिमिटिंग वैल्यू, जब लिमिटिंग वैल्यू डेल्टा टी टेंस टू जीरो, यानी कि आपका डेल्टा टी है टाइम इंटरवल है वो अप्रोच टू जीरो, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, और ये हमारे पास अगर हम लिमिटिंग वैल्यू इसके अंदर इंक्लूड कर लें तो डी एक्स अपॉन डी टी लिख देंगे, यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का फर्स्ट डेरिवेटिव रहेगा, ठीक है, ये आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड रहेगी। आई होप डियर स्टूडेंट्स आप लोगों को ये लेक्चर क्लियर हुआ होगा, अच्छे समझ में आया होगा, आप इसके नोट्स प्रिपेयर करें, अच्छे से इसको समझें, अपनी स्क्रीनशॉट ले लें, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट इसलिए करवाता हूँ ताकि छोटी सी वीडियो के अंदर आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर हो जाएँ, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें फास्ट करते हैं, अदरवाइज़ हमारे टॉपिक हैं ये हाफ हों, ठीक है, तो स्मॉल टाइम में, और वही बात है स्मॉल टाइम के अंदर लार्ज नंबर ऑफ टॉपिक हमारे कवर हो जाएं। और बेटा जितना हो सके वीडियो को शेयर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आपकी देखो हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, तो हमारे लिए इतना तो फर्ज आप लोगों का बनता ही है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।